नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वन विभाग की टीम ने धर्मकांटा से पकड़ी एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। उन्नाव अमृत विचार। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के फरदपुर गांव के पास स्थित धर्मकांटा में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। इसमें टीम को एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी बरामद हुई। टीम के छापा मारने पर वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि इससे पहले ही वहां से एक ट्रक चालक काफी मात्रा में लकड़ी लेकर फरार हो चुका था। बता दें कि बीते काफी दिनों से फरदपुर गांव के पास शिव कुमारी धर्मकांटा पर अवैध रूप से प्रतिबंधित लकड़ी खरीदी व बेची जाती थी। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर रेंजर राजवीर सिंह सिंगर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने धर्मकांटा पर छापा मारा। छापे जानकारी होने पर एक चालक लकड़ी से भरा ट्रक लेकर वहां से भाग गया। वहीं मौके पर करीब एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी टीम के कब्जे में ली। रेंजर ने बताया कि मुखबिर के सूचना पर धर्मकांटा पर छापेमारी की गई थी। एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी बरामद हुई है। धर्मकांटा संचालक पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिल्ली हरियाणा व पंजाब तक भेजी जा रही है प्रतिबंधित लकड़ियां। मोहान वन रेंज के मियांगंज में संचालित राठौड़ लकड़ी के अड्डे पर भी प्रतिबंधित लकड़ी की खरीद फरोख्त होती है। वहां से जामुन, इमली, आम, महुआ, गूलर, शीशम, सागौन व चीनी आदि की लकड़ी दिल्ली हरियाणा और पंजाब राज्यों तक भेजी जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।